पैकिंग हो गई इतनी जल्दी जल्दी हमारी हाफ एन आवर में। ट्रेन है हमारी 4 बजे की, कहाँ जा रहे हैं वो सब पता चलेगा आपको आगे के ब्लॉग में। चलते आइए। कैसा था एग्जाम? आ गई न्यू वॉशिंग मशीन। कैसा था रियान एग्जाम? रियान अपने एप्पल वाली वॉच का चार्जर दे दो, तुम तो अभी वैसे भी यूज नहीं करते। मेरी पक्का वो चार्ज नहीं, नहीं तो तुम यूज ही नहीं करते हो। चार्ज भी काम में। हाँ मत दे मत दे, अम्मी चार्जर तक नहीं दे रहा है। बेचारी जा रही है, तो पहनते नहीं हो ये हाथ में पहनी हूँ। देखो अम्मी चार्जर नहीं है, नहीं तो ये तो कहीं जा नहीं रहा। तुम शानू भाई से लेके चार्ज कर लेना जल्दी। अम्मी कैसा है? अल्लाह से चल। थैंक यू कंजूस। अम्मा का दिल्ली का मुलायम मुलायम पेठा दिया। दिल्ली का पेठा, दिल्ली आगरा का पेठा होता है। फोन करते हैं। हाँ, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हम बस निकल ही रहे थे और हम इनसे मिले हैं। इनका YouTube पे चैनल है SJ कुकिंग। बताइए SJ कुकिंग फूड। तो ये रेसिपीज बताती है, इनको सपोर्ट की जरूरत है तो प्लीज आप इनका सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर लें। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, आप सबकी दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे टिकट्स ये था कि होंगे या नहीं होंगे, आज ही कन्फर्म हुए हैं और आज ही तैयारी हुई है। बस हम निकल गए हैं और कहाँ जा रहे हैं वो आपको व्लॉग में आके पता ही चल जाएगा। तो हमारी ट्रेन आ गई, चलो भाई आगे चलते हैं। यहाँ पे सनी अपने फोन में क्या कर रहे हो? तुम्हारा ही काम कर रहा हूँ, फालतू फोन नहीं चला रहा हूँ, तुम्हारा काम कर रहा हूँ। यहाँ पे बैठा सौरभ। हो गया खाने का टाइम, सभा खा रही है राइस और मैं खा रहा हूँ, ये मेरा खाना आ गया है। फ्रेंड जैसे जैसे भोपाल पास आ रहा है तो हमें द रेलवे मैन याद आ रही है। जिसने नहीं देखी उन लोग देखो, द रेलवे मैन बहुत अच्छी सीरीज है भाई। और बाबिल खान ने तो क्या उसमें जबरदस्त एक्टिंग करी है। और कौन था उसमें? के मैन। फ्रेंड्स भोपाल आ चुका है, थोड़ा सा भोपाल के मौसम का मजा लेते हैं। मैं ये कह रही थी कि हम भोपाल की ठंड का मजा लेने के लिए नीचे उतरे हैं, क्योंकि दिसंबर का महीना है तो इस टाइम तो एकदम ठंड होती है, लेकिन मुझे इतनी नहीं लग रही है। आपको लग रही है? मुझे लग रही है। कुछ तो ठंड का एहसास हुआ, मुंबई में तो कुछ भी नहीं पता चल रहा था। चढ़ जाते हैं भैया। जिस तरह की दिसंबर में ठंड हुआ करती थी वो तो आपको मानना पड़ेगा कि इस वक्त अभी ऐसी नहीं हो रही है। दिसंबर तो मेन महीना होता है ठंड का, आपके यहाँ पे नॉर्मल से ज्यादा पड़ रही है, उतनी पड़ रही है हर साल की तरह या कम पड़ रही है, आप लोग बताना। आप कमेंट करके बताना। सूखी सेवैया। सेवैया पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स हम लोग स्टेशन। इस वक्त बज रहा है 10:30। अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड दिल्ली आए लेकिन इतना अजीब लग रहा है कि हम दिल्ली में रुक ही नहीं पा रहे हैं। क्या करें, वापसी में रुक लेंगे इंशाल्लाह। चलो एक ही फ्रेंड सुबह सुबह दिल्ली के छोले कुलचे और दिल्ली में, और एक फ्रेंड हल्की हल्की ठंड। तो फ्रेंड्स इस वक्त हम हैं लाल किला के सामने। दिल्ली से बिना घूमे निकल रहे थे तो दिल नहीं मान रहा था ना ऐसे, हमने कहा चलो थोड़ी देर, बहुत धूप है फ्रेंड्स हम चलते हैं और हमें निकलना भी है अभी, बस हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आए। तो हमने कहा लाल किला हमने कभी भी नहीं देखा है। हाँ, अंदर चलते हैं देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आपको खैर देखा होगा, चलो फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाओ भाई। अच्छा पार्किंग से हमें लाल किला तक जाने के लिए यहाँ पे रिक्शा लेना पड़ता है, बहुत लंबा होता है। आ गए लाल किला में और देखते हैं टिकट कहाँ मिलेगा, टिकट लेते हैं और चलते हैं अंदर। तो जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर स्पीच देते हैं ना 15 अगस्त या 26 जनवरी में, तो फिर यहाँ से देते हैं फ्रेंड्स ऊपर। अभी देखते हैं टिकट कहाँ से मिलता है। हाँ वो है, टिकट की लाइन अंदर बहुत ज्यादा बड़ी लगी हुई है। तो सनी यहाँ से ऑनलाइन वाला ट्राई कर रहे हैं। सोचा था रेड फोर्ट आऊंगी अच्छे से, कोई फ्लोई से कपड़े पहन के होंगे, लेकिन सुबह से ऐसे ही आ गए फ्रेंड्स। हमने यहाँ पे रूम नहीं लिया क्योंकि हमें यहाँ रुकना नहीं है, तो रूम लेके कोई मतलब नहीं है। हो गया, एंटर हो रहे हैं हम लोग। महिला बहुत ही अच्छी और टाइट सिक्योरिटी है फ्रेंड्स यहाँ पे, बहुत ज्यादा चेकिंग होती है अच्छे से, लेकिन जरूरी भी होना भी चाहिए, हमारे देश का इतना स्पेशल प्रॉपर्टी है ये। हो गई सारी फॉर्मेलिटीज, चेकिंग वेकिंग टिकट दुनियादारी, अब देखते हैं रेड फोर्ट और आप सबको भी दिखा। काल तो बड़ा सा एंट्रेंस और दो दो दरवाजे
ये सामने दिख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर यहाँ से जाते हैं यहाँ से जाके उनका होता है भाषण जो 15 अगस्त 26 जनवरी मूवी होता है। स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं, अंदर मार्केट भी है। वाओ कैसे हो? जहाँ पे आए हैं अब उसके काम की चीज में आई है ना? मार्केट भी है, ये बात है। चलो चलो लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब यहाँ से तुम्हें क्या लेना है? एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करती हूँ। ये फोर्ट के अंदर मार्केट अभी से नहीं है फ्रेंड्स, ये सालों पुरानी है राजा के टाइम से, क्योंकि राजा चाहते थे उनके घर की जो औरतें हैं वो बाहर ना जाएं, इसलिए उनके लिए अंदर ही मार्केट बनवा दिया था। सारी चीजें यहीं पे ही अवेलेबल थी। अच्छा, जो मार्केट होते हैं यूजुअली वो खुले होते हैं, ओपन में होते हैं, लेकिन ये ऊपर से ढका हुआ है, इसके ऊपर छत है, इसलिए ये मार्केट का नाम पड़ गया है छत्ता बाजार। शॉल ले लिया, शॉल वैसे भी मौसम के शॉल का और अच्छी भी थी और बहुत रीजनेबल प्राइस में भी थी, 500 की ना। हाँ, और बहुत सारी चीजें ऐसे तो लगे सब कुछ ले लो, लेकिन घूमने आया तो अभी हम घूमते हैं और आपको भी घुमा रहे हैं। तो मैं थोड़े से टाइम में सब कुछ बताऊँ। चलिए, जिस गेट से आप एंटर हुए हैं उस गेट को बोलते हैं लाहौरी गेट। लाहौरी गेट क्यों बोलते हैं? उस गेट का मुंह लाहौर की तरफ, इसको शाहजहाँ ने बनाया। शाहजहाँ लाहौर में पैदा हुआ, लाहौर में बड़ा हुआ, तभी उस गेट को नाम दे दिया लाहौरी गेट। मोदी जी आते हैं इंडिपेंडेंस डे पे यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग के लिए, इसको बोलते हैं नौबत खाना। बादशाह आता था, उसके आने पर जाने पर वहाँ से ड्रम बजते थे और वहाँ से अनाउंसमेंट होती थी, होशियार होशियार। तो ये जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं दीवाने आम। आम लोग राजा के पास आते थे अपनी प्रॉब्लम को लेकर, उसका सलूशन करवाने के लिए। हाँ, और दीवाने खास भी बड़ा होगा। आप आएंगे मेरे दीवाने खास में। हम लोग भी जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए राजा की सीट, जहाँ पर राजा बैठते थे। रहा राजा का, जहाँ राजा बैठते थे पहले खुला था, लेकिन यहाँ पर लोग चढ़ के जाके उसको खराब कर रहे थे, तो ग्लासेस लगा दिए सेव करने के लिए। देखिए राजा चले गए, उनकी जगह बची। इससे हमें ये सीख मिलती है कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज बताओ उन्होंने कितनी अच्छे से बनाई होगी, इतने लोग डॉलर शॉलर सब कुछ था उनके पास, सब कुछ यहीं पे है और राजा यहाँ पे नहीं है। इसलिए अच्छे काम करें, आज मैंने अच्छे काम किए होंगे इसलिए सब उन्हें याद रख रहे हैं, लोग प्रॉब्लम से नहीं होगी। अच्छे काम करें, लाइफ में हमेशा आपके जाने के बाद भी आपको याद किया जाएगा। अब आपको बताऊंगी किला बनाया है क्यों। ये मुझे पता ना था किला बना क्यों। शाहजहाँ पहले आगरा रहता था, गर्मियों में कश्मीर जाता था, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से कश्मीर बहुत टाइम लगता है। शाहजहाँ ने सोचा अगर मैं दिल्ली आ जाऊँ तो दिल्ली से हर जगह नजदीक पड़ेगी। सही बात। शाहजहाँ अपनी कैपिटल लेके आगरा से दिल्ली आ गया, दिल्ली आया तो उसको रहने को जगह चाहिए थी, तभी उसने ये किला बनाया। आज किंगडम खत्म हो गया तो सारे शाहजहाँबाद को क्या बोलते हैं? पुरानी दिल्ली। ये दीवाने खास है, ये औरतों का महल, ये औरतों का महल रंग महल। यहाँ पर पहले छत पे गोल्ड लगा था फ्रेंड, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गोल्ड लगा हुआ था। जब ब्रिटिश आर्मी यहाँ से गई तो गोल्ड सारा लेके चली गई, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। हाँ, कि जब ब्रिटिश आर्मी गई तो यहाँ से गोल्ड उतार के ले गए। ये सबके सब सेमी प्रेशियस स्टोन से बोलते हैं इन लेवर मीनाकारी, यही मीनाकारी ताजमहल पे हुई है। दोनों का बनाने वाला सेम आर्टिकल है, इनके नाम है लाहौरी। प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लिखने से मोहब्बत नहीं मिलेगी, मत लिखो। ये मोती मस्जिद है और इनके 5 बार की नमाज पढ़ता था, नमाज पढ़ने उसको दूर में जाना पड़े, उसने अपने घर पे ही मस्जिद बना ली। इसको मोती मस्जिद क्यों नाम दिया? इसकी सफेदी देख के वाइफ ने देख के सबने बोला ये मोती है मोती, इसका नाम पड़ गया मोती मस्जिद। सामने जो बिल्डिंग है इसको बोलते हैं सावन। हिंदुओं के कैलेंडर में 2 महीने होते हैं बारिश के, जिसको हम बोलते हैं सावन भादो। सावन के महीने में रॉयल फैमिली यहाँ बैठती थी बारिश का मजा लेने के लिए, तब बारिश इधर से आती थी। अब आ गया भादो, बारिश आ गई, इधर से दीवार नहीं है ना, दिख जाएगा तो उधर मूव कर जाते। राजा लोग जो चाहते थे वो कर लेते थे। राजा ने एक ऑर्डर पास किया, वहाँ पे बिल्डिंग खड़ी। इसका नाम है हयात बख्श गार्डन। यहाँ पर तरह तरह के हर्ब्स फ्लावर फ्रूट्स होते थे जिसके खाने से आदमी बीमार ही नहीं होता। अश्वगंधा बालों के लिए बड़ा अच्छा होता है, अगर आप उसके अश्वगंधा के पाउडर लेते हैं तो आपके बाल सफेद नहीं होने देते। लेडीज को हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बड़ा अच्छा होता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैंसर हुआ है, आप डरेंगे मुझे ना हो जाए, क्योंकि जेनेटिक होता ही है, तो उसको लेने से कैंसर भी नहीं होता। आप
प्रभु ने चाहा आपका टारगेट कंट्रोल है। बहुत शुक्रिया आपने हमको बताया। बिल्कुल अच्छा, आपको ये कुछ जानते थे, आप फोटो खिंचवा रहे थे? हाँ, यूट्यूब पे हम लोग वीडियो डालते हैं। अच्छा, ओहो मुझे नहीं पता, सुन मैं यार यूट्यूब देखता नहीं। कोई बात नहीं, चलो आप उनको दिखाएंगे, सबका भला होगा। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, सबका भला होगा, फिर सब मुझे याद भी करेंगे। बिल्कुल, प्रवीण बजाज नाम है, मैं 36 ईयर से गाइडिंग कर रहा हूँ। प्रभु ने चाहा आप कभी बीमारी नहीं हो। जो लोग आपके यूट्यूब के इस चैनल को देखेंगे, त्रिफले के बारे में नोट किए ना, तो बीमार लोग बीमारी नहीं होंगे, लोग आपको फोन करके बताएंगे। थायराइड की दवाई बंद नहीं करनी। थैंक यू सो मच, हमारी किस्मत अच्छी थी, हमें गाइड कम डॉक्टर मिल गए। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की आपने, सुना होगा। ऐसे जाते थे फ्रेंड्स बैलगाड़ी से, जो डाकिया था ले आते थे ना, अब तो मुझे लगता चलते भी नहीं है। अब नहीं है ना, चलते ही चलते हैं, पोस्टमैन होते हैं, पोस्टमैन आते हैं पहले ऐसे फिर ऐसे। अभी हम चल के यहाँ पे कुछ खा लेते हैं। वाओ, I like heritage looking cafes. तमन्ना पूरी हुई है, तो आ गए हैं सनी के दिल्ली स्पेशल छोले कुलचे। माशाल्लाह बहुत भूख लगी है ना, बहुत कुछ ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, 2 बजने को आया। लेकिन मैं ये नहीं खा रही हूँ, मैं खाऊंगी डोसा और पानी बहुत ज्यादा पीऊंगी। हमेशा मैं क्या करती थी, ट्रैवल के टाइम पानी कम कर देती थी, जो कि नहीं करना चाहिए, पानी पीते रहेंगे। ये आ गई हमारी कूलर वाली चाय, चाय ले लो अपनी अपनी। सब जगह उठल जहाँ जहाँ पड़ा है, जितना मेरी नजर में आएगा उठाऊंगी। फ्रेंड्स इतनी अच्छी जगह, यहाँ तो मत फेंको। Few moments later, दिल्ली से हम लोग निकल चुके हैं। फ्रेंड्स हमने लाल किला भी देख लिया और एक हमारा बहुत जरूरी काम भी था, उसके वजह से मैं भी दिल्ली आना था। ये है हरियाणा पूरा, देखो पूरा ग्रीन ग्रीन, पूरा कितना जबरदस्त बनाया, पूरा हरियाणा के खेत दिख रहे हैं हमें। और अभी हम लोग मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे चढ़ चुके हैं, ये हमको फटाफट दिल्ली से पहुंचा देगा। और बहुत जबरदस्त शानदार वाला एक्सप्रेसवे बनाया है भाई। हम लोग राजस्थान पहुंच चुके हैं, यहाँ से बाकी है हमारा जयपुर 119 किलोमीटर एग्जैक्ट। इस वक्त हम लोग क्रॉस कर रहे हैं दौसा, बहुत तेज लगी भूख, अभी हम लोग रुके हैं दौसा में, तो अभी खाएंगे पराठा, फिर आगे का सफर अपना कंटिन्यू करेंगे। तो 6 बजने को आया है फ्रेंड्स, बाहर अंधेरा होने लगा है, अब हमारा लंच हुआ है, लेकिन खाना बहुत अच्छा था, दिल खुश हो गया, और चाय तो बहुत ही अच्छी थी, राजस्थान का हमारा पहला मील। और अभी बाकी है 207 किलोमीटर, 9 बजे करीब हम पहुंचेंगे अजमेर इंशाल्लाह। चलो टोल पे टोल, टोल पे टोल, कितने सारे टोल, लेकिन रोड अच्छे हैं, टोल तो लग रहा है लेकिन रोड बहुत अच्छे बना है। किशनगढ़ में सुना सुना लग रहा है, किशनगढ़ में मार्बल का भी कुछ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बजे दिल्ली से निकले थे और अभी 9:52 हो रहा है, अल्लाह ताला के करम से हम लोग सही सलामत अपने मुकाम तक पहुंच चुके हैं। पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स हम होटल में, हमने होटल के जो रूम्स हैं वो ले लिए हैं, एक रूम हमारा ये है, एक कौन सा, एक आगे वाला है ये वाला। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे रूम्स क्यों, क्योंकि हम तो बहुत कम लोग हैं, तो ये स्पेशल रूम है स्पेशल लोगों के लिए, वो कौन है वो पता चलेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स हम लोग अजमेर शरीफ आ चुके हैं, ख्वाजा साहब ने हमें फिर से बुला लिया, बहुत तमन्ना थी जाने की, और हम लास्ट टाइम आए थे फ्रेंड्स, लास्ट ईयर हो गया, तो ये था कि हम जल्दी जल्दी, हमें पता नहीं था हम तारागढ़ नहीं जा पाए थे, वो चीज मन में थी, हमें काफी लोगों ने कहा कि तारागढ़ जाना चाहिए, बहुत सारे लोगों की दुआएं कबूल होती है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, और भी लोग आएंगे फिर इंशाल्लाह आपको पता चलेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। हम मुंबई से दिल्ली से होते हुए अजमेर शरीफ आ गए हैं, बाकी हमारा ये रूम है, रूम टूर देने की जरूरत ही नहीं, नहीं है हमारा रूम नहीं है। अच्छा हाँ, ये हमारा रूम नहीं है, हम अपने रूम में आपको चल के दिखाते हैं। तो ये है फ्रेंड्स हमारा रूम, थोड़ा सा छोटा है, होटल हमने ऑनलाइन ही बुक कर लिया था यहाँ पे आके, वैसे पास में आके मदार के पास ही बहुत सारे रूम्स मिलते हैं, बट हमें यहाँ पे रहना एक दिन। इसके अंदर क्या है, तुम बैठ जाओ, मुझे लगा शायद आपने मेरा बर्थडे मन चल रहा, तो यहाँ पे भी कुछ रख दिया होगा। यार याद नहीं रहा यार, चलो कोई बात नहीं, व्यू कैसा है वो भी देख लेते हैं। व्यू ऐसा अंधेरा है, अभी रात हो गई तो अभी तो मजार शरीफ नहीं जाएंगे, फ्रेश फ्रेश होंगे, हमने देखा होगा ट्रेन से ऐसे घूमते घूमते आ गए हैं, स्पेशल मेहमानों को लेने भी जाना है। हाँ, सबसे पहले तो मुंह धो लेती हूँ और लिपस्टिक निकाल लेती हूँ, फ्रेश मेकअप रिमूवर नहीं लेके आई हूँ, लिपस्टिक न्यू ली थी वो जल्दी से मैं डाल के आ गई थी। आपको मेरा ये न्यू बैग कैसा लगा जरूर बताना फ्रेंड्स, ये ऐसे भी ले सकते हैं टोट बैग की तरह, और साथ में ये बैग सैक की तरह भी यूज हो सकता है, वैसे ये अम्मी ने लिया था, मैं ट्रैवल करी थी तो मैं ले आई हूँ, ये वाले ब्रांड का है फ्रेंड्स। इसमें हम निकाल लेते हैं अपना पाउच,
और इसके अंदर अपना ब्लैक मेरा फेवरेट सबसे फेवरेट बैग वो भी लेके आई हूँ। अभी हम देखते हैं, मेकअप रिमूवर नहीं है तो कोल्ड क्रीम लगा के ही हमें अपनी लिपस्टिक निकालनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज्यादा वैसी है। वही निकल ही नहीं रही इससे भी। अब ठीक है, कुछ भी आप कर लो, कितना भी मेकअप लगा लो, कितना भी रेडी हो लो, सिंपल रहने की बात ही अलग होती है। सिंपल में अपना चेहरा सबसे बेस्ट लगता है। लड़कों को लड़कियां मेकअप में अच्छी लगती है विदाउट मेकअप। विदाउट मेकअप देखो, ग्लासेस को भी रजाई उड़ाई हुई है। सब हो गई रेडी और मैं भी रेडी हो गया हूँ, जा रहे हैं अपने स्पेशल लोगों के लिए लेने। तो मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। तो अगर आपको ये ब्लॉग हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारे प्यार दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हम चलते हैं, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। हम मिलेंगे और जो स्पेशल लोग हैं वो भी आपसे इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मिलेंगे। चलते हैं।